Hello and welcome back to Baiju's exam prep and to our morning current affairs series. I hope आप लोग बहुत energetic हैं और अपना अगले पूरा दिन बहुत energy से गुजारने वाले हैं. So शुरू करते हैं. My name is Prachi Soni and various examinations, CDS, APCAT, SSB सब clear किया हुआ है मैंने और इसीलिए मैं आपको यहाँ पे पढ़ा रही हूँ. सो मॉर्निंग करंट अफेयर्स में सबसे पहले हम बात करेंगे मेक इन इंडिया कैंपेन के 8 साल कंप्लीट हो गए हैं. इट इज अ वेरी गुड थिंक कि हमने 8 साल इस इनिशिएटिव के कंप्लीट किए हैं. इस पर्टिकुलर इनिशिएटिव ने इंडिया को बहुत ज्यादा हेल्प करी है ग्रो करने में और इंडिया को एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज दी है मल्टीपल कंट्रीज के थ्रू अपनी टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट. अमित शाह टू इनॉग्रेट डेयरी कोऑपरेटिव कॉन्क्लेव करेंगे गैंगटॉक में. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने साइन लर्न स्मार्टफोन ऐप को इंट्रोड्यूस किया है. आशा पारेख जी को 52nd दादा साहेब फाल्के अवार्ड दिया जाएगा. वर्ल्ड टूरिज्म डे 2020 और वर्ल्ड रिवर डे 2022 के बारे में बात करें. सबसे पहले मेक इन इंडिया ने 8 साल कंप्लीट कर लिए हैं. विद द कंप्लीशन ऑफ मेक इन इंडिया इनिशिएटिव फर्स्ट 8 ईयर्स एनुअल फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इंक्रीज करी गई है बाय फैक्टर ऑफ 2 और हम लोग US$83 बिलियन की हमने फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इंक्रीज हुई है 2022 में. अमित शाह ने इनॉग्रेट किया है डेयरी कोऑपरेटिव कॉन्क्लेव गैंगटॉक में. ये एक पूरे दिन का डेयरी कोऑपरेटिव कॉन्फ्रेंस होगा ईस्टर्न और नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में. इससे बहुत सारे फायदे होंगे. एक तो नॉर्थ ईस्टर्न रीजन डेवलप होगा, वहां पे मीटिंग्स होंगी, उस एरिया के डेवलपमेंट पे ध्यान दिया जाएगा और तो और यहाँ इस सेक्टर की इकोनॉमी पर भी बहुत ज्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा. तो 7 अक्टूबर को ये कॉन्फ्रेंस होने वाली. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने साइन लर्न स्मार्टफोन ऐप लॉन्च करी है. दिस इज अ वेरी वेरी गुड इनिशिएटिव हमारी गवर्नमेंट द्वारा. तो एक साइन लर्न ऐप स्मार्टफोन ऐप है जो कि 10,000 वर्ड की डिक्शनरी है इंडियन साइन लैंग्वेज. अगर आप किसी से बात करनी है और अगर किसी को सुनाई नहीं देता है और आप उससे बात करना चाहते हैं तो उनको अलग ना फील हो और आप भी मिसकम्युनिकेशन ना हो, सो 1,000 वर्ड की डिक्शनरी इंडियन साइन लैंग्वेज में आपको मिलेगी. इट इज अ वेरी गुड इनिशिएटिव और साइन लैंग्वेज आना इज अ गुड थिंग. आप लोग एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, SSB में आपसे पूछा जाए कि आपको कुछ अलग आता है या नहीं तो आप बता सकते हैं सर हमें साइन लैंग्वेज आती है और गवर्नमेंट की साइन लर्न ऐप से मैंने ये सीखी है. नेक्स्ट, आशा पारेख जी को 52nd दादा साहेब फाल्के अवार्ड दिया जाएगा. ये वेटरन एक्ट्रेस हैं और इनको 52nd दादा साहेब बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है. दादा साहेब अवार्ड पेपर में पहले भी पूछे जा चुके हैं और आपको फिर से पूछे जा सकते हैं. 2020 के लिए इनको ये अवार्ड दिया जा रहा है. ठीक है, नेक्स्ट वर्ल्ड टूरिज्म डे 2022, 27 सितंबर को आपका वर्ल्ड टूरिज्म डे होता है हर साल. 27 सितंबर को ऑल ओवर द वर्ल्ड हम ये वर्ल्ड टूरिज्म डे सेलिब्रेट करते हैं ताकि टूरिज्म एक बहुत इंपॉर्टेंट सेक्टर है जिससे पैसा आता है, इकोनॉमी डेवलप होती है और लोकल मार्केट डेवलप होती है. सो दिस इज एन इम्पॉर्टेंट डे. लास्ट न्यूज ऑफ द डे, वर्ल्ड रिवर डे की अगर हम बात करें सो वर्ल्ड रिवर डे इज सेलिब्रेटेड हर साल 25 सितंबर को, यानी कि लास्ट संडे ऑफ सितंबर को सेलिब्रेट की जाती है ऑल ओवर द वर्ल्ड. सो दैट हम अपनी रिवर्स को क्लीन रखें, रिवर्स को किस तरीके से मैनेज करना है, गंदगी नहीं करनी है, पॉल्यूशन नहीं करना है, रिवर्स के इंपॉर्टेंस के बारे में पता चलता है. दिस वॉज फॉर टुडे, दैट इज इट. हमने कंप्लीट कर लिया है. आप लोगों के क्वेश्चन होते हैं नोट्स कैसे बनाने हैं तो आप अलग अलग A4 साइज की शीट्स ले सकते हैं और उनको अलग अलग कैटेगरीज, डिफेंस, इंटरनेशनल न्यूज, नेशनल न्यूज, अवार्ड, स्पोर्ट्स, पर्सन इन न्यूज, प्लेस, साइंस, टेक में डिवाइड कर सकते हैं एंड न्यूज को इसमें एड कर सकते हैं. इसी न्यूज को बहुत ग्री डिटेल में अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो रात को 9 बजे हर दिन एवरी डे मैं डेली करंट अफेयर्स, प्राइम टाइम करंट अफेयर्स पढ़ा रही हूँ बायजूस एग्जाम प्रेप की ऐप पर. दैट इज एब्सोल्युटली फॉर फ्री. आपको क्लास का मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, क्लास का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. ज्वाइन इट एंड बूस्ट योर प्रिपरेशन. इफ यू हैवंट लाइक द वीडियो, लाइक द वीडियो, प्रेस द बेल आइकन एंड सब्सक्राइब द चैनल. गुड बाय, टेक केयर एंड हैव अ नाइस.